रेडमी नोट 5 प्रो के लिए नुसंतारा प्रोजेक्ट की तरफ से 4.0 जो कि एंड्रॉयड 12 ऑफिशियल बिल्ड आ गया है, फर्स्ट बिल्ड है ये, और इसमें आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन के साथ आपको कंप्लीट रिव्यू देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा, और साथ साथ ये भी बता दूंगा आपको जो कि एक अनऑफिशियल बिल्ड का भी मैं रिव्यू किया था नुसंतारा के ही 4.0 का, जो कि एंड्रॉयड 12 ही था, तो उसके मुकाबले कैसा है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा कि उसमें बैटरी कैसी थी, इसमें बैटरी कैसी है, और इंटूटू स्कोर उसका कैसा था और इसका कैसा था, बाकी परफॉर्मेंस के बारे में भी आपको बताने वाला। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा ताकि आपको सही से जो है यहाँ पे सारी चीज़ें पता चल सके। अबाउट फ़ोन के अंदर सबसे पहले चलते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको एंड्रॉयड वर्जन मिल जाएगा, जिसमें ऊपर आपका नुसंतारा यहाँ पे 12 मिलता है। एंड्रॉयड वर्जन हमारा 12 है और नुसंतारा वर्जन आपका 4.0 सुरबया ऑफिशियल जैसे कि बिल्ड ये मिल जाता है, और मेंटेनर नेम भी दिया गया है। नीचे आपका सिक्योरिटी पैच जो कि नवंबर 2021 का मिलता है, और जो कर्नल यहाँ पे सेलेंट बट बेसिक वर्जन 3 कर्नल देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और जो सेलिनक्स इन्फोर्सिंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है, इसका जो स्टेटस है इन्फोर्सिंग है सेलिनक्स का। एंड कुछ इस तरीके से सेटिंग इंटरफेस मिल जाता है, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नुसंतारा विंग्स के अंदर से। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से आपको ये कस्टमाइजेशन इसकी देखने को मिल जाता है, ऊपर टीम का नेम मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फिलहाल अपना सिस्टम जिसको थीम्स दिया गया है। और यहाँ पे नुसंतारा का जो विंग्स बैकग्राउंड है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि रैंडम हम सेलेक्ट किए हैं तो इसका जो बैकग्राउंड है अभी चेंज हो जाएगा, बैक करके वापस आने पर आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा चेंज हो चुका है, इसका जो बैकग्राउंड है चेंज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वहीं आपको यहाँ पे फिलहाल आईओएस वाला कर देता हूँ। और नुसंतारा कैटेगरी स्टाइल की बात करें तो यहाँ पे विदाउट नेविगेशन बार में आपका कैसा होगा कि जैसे बैक करके वापस आए, आप देख सकते हो ये किस तरीके से जो है हमारी पूरी सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल रही, सभी के सभी बाहर है। अब थीम्स में चल के यहाँ पे जो है यहाँ पे विथ नेविगेशन बार वाला मैं यहाँ पे करता हूँ, तब इस तरीके से जो है देखने को यहाँ पे मिल रहा था। इस तरीके जो है कैटेगरी स्टाइल वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो इसके अंदर में। तो ये हो गया आपका, एंड यहाँ पे हम बैक करके वापस आते सही हो जाए, ये आपका हो गया नॉर्मल। अब नीचे आपको यूज़ कस्टम कलर भी मिल जाता था, आप यहाँ पे जो है कस्टम कलर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका मोनेट है, जैसे कि वॉलपेपर बेस्ड कलर तो आपको मिलता ही, लेकिन यहाँ पे आप कस्टम कलर भी चूज़ कर पाओगे, कस्टमाइज़ कर सकते हो कलर्स को, जो कि यहाँ पे नीचे एक्यूरेसी आपको दिया गया है कलर्स का, क्रोमा फैक्टर ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो कलर्स को आप यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हो। तो कस्टम कलर आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, अगर आपको यूज़ करना है तो। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है नोटिफिकेशन, जिसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता। मिसलेनियस के अंदर आपको सिर्फ स्वाइप टू स्क्रीनशॉट मिलेगा, जिसमें आपका डिलीट का भी ऑप्शन मिलता है, और कैप्चर मोर की जगह आपको कैप्चर मोर भी देखने को मिलेगा, जब जब जरूरत पड़ेगी कैप्चर मोर की जिस जगह उस जगह आपका क्लिक हो जाता है। लॉक स्क्रीन में किसी भी ऑप्शन में कोई चेंज नहीं है, कुछ भी मतलब देखने को ही नहीं मिलेगा। और स्टेटस बार के आपके बैटरी में आपका बैटरी जो कि आपका टेक्स्ट हो गया उसको लेफ्ट एंड राइट कर सकते हो। बैटरी स्टाइल में आपको लैंडस्केप वाला भी मिल जाता है, और यहाँ पे आपका बैटरी परसेंटेज हो गया। फिर कैरियर लेवल में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्लॉक की सेटिंग्स में भी कुछ भी देखने को नहीं मिलता। आइकन मैनेजर में जाओगे तो यहाँ पे ट्यूनर सिर्फ स्टेटस बार आइकन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तो यही देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। नीचे आपका क्विक सेटिंग्स है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ब्राइटनेस स्लाइडर की पूरी सेटिंग दी गई है बॉटम में रखना है, या फिर आपको ऑटो ब्राइटनेस भी यहाँ पे जैसे कि देखने को मिल जाता है, और ब्राइटनेस को आप चाहो तो हाइड भी कर सकते हो यहाँ से। तो ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे पूरी ब्राइटनेस से रिलेटेड ही मिलेगा। ट्रैफिक इंडिकेटर मिल जाता है, और ये बिल्कुल इस तरीके से काम भी कर रहा है, तो आप इसका यूज़ यहाँ पे कर पाओगे। अभी डाटा यूज से सारी चीज़ कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। हार्डवेयर के अंदर बटन में जाओगे तो बिल्कुल खाली है। नेविगेशन मिलता है, जिसमें नेविगेशन बार टॉगल आपको मिल जाए, तो नीचे सिस्टम नेविगेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है कुछ इस तरीके से सेंसिटिविटी सेटिंग मिलेगी, जैसे कि बाकी मिल रहा है तो सेम टू सेम ही है। बाकी 3 पैटर्न नेविगेशन अगर आप यूज करते हो तो आराम से यूज कर पाओगे, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आता, ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तो ऐसे तो फिलहाल आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है, तो आपका जो नेविगेशन है इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और पावर मेन्यू भी आपको वैसे बिल्कुल नॉर्मल ही यहाँ पे बिल्कुल खाली रहने वाला, तो आपका जो पावर मेन्यू है वो भी आपको नॉर्मल मिलता है, एडवांस रिस्टार्ट इसके अंदर नहीं मिलता। पावर मेन्यू वाला सेक्शन आप देखें बिल्कुल खाली था। वहीं अगर आप जाते हो नेटवर्क एंड इंटरनेट में, तो यहाँ पे वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट आप सेम टाइम पे बिल्कुल यूज़ कर पाओगे, वो कोई दिक्कत भी देखने को नहीं मिलती है। सिक्योरिटी लगा के भी यूज़ कर सकते हो। बैटरी के अंदर चलते हैं, तो बैटरी के अंदर हमारा बैटरी यूजर्स जैसे कि मिलता है, बैटरी सेवर मिल जाता है, फिर नीचे आपको बैटरी मैनेजर मिल जाता है, और यहाँ पर जो बैटरी परसेंटेज दिया गया ये वाला काम नहीं करेगा, कस्टमाइजेशन के अंदर से ही आपको वहाँ पे बैटरी जो स्टाइल दिया गया वहीं से आप जो है इनेबल कर पाओगे। बैटरी की बात करें तो जैसे कि 2 आवर 50% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 70% बैटरी हमारी यहाँ पे देखने को मिली, वहीं 2 आवर फुल ब्राइटनेस के हिसाब से बताऊँ तो 56% बैटरी आपको बचेगी। वहीं अब चुका जो अनऑफिशियल नुसंतारा था उसके अंदर भी 71% बैटरी हमें देखने को मिलती थी, तो सिमिलर बैटरी बैकअप से तो है। बाकी कनेक्टेड डिवाइस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका कास्ट जो है कनेक्ट नहीं हो रहा, काफ़ी ट्राई किया लेकिन कास्ट जो है कनेक्ट यहाँ पे नहीं हुआ था।
और फिर ऐप्स में चलते हैं तो यहाँ पे आपका जैसे कि डिफ़ॉल्ट ऐप्स आपको दिखा दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे वनीला फ्लश किया तो क्विक स्टेप वाला जो है यहाँ पे मिलता हुआ है। जीप्स वाले में आपको पिक्सल लॉन्चर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें ये पिक्सल लॉन्चर नहीं या फिर नुसंतारा का जो लॉन्चर है वो आपको शायद तक देखने को मिल जाएगा उसके अंदर में। बाकी फिर यहाँ पे आपका ऐप्स तो हो गया नॉर्मली, बाकी नोटिफिकेशन में भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, बबल नोटिफिकेशन जो कि काम नहीं कर रहा अभी, एंड नीचे आपको ब्लिंक लाइट मिल जाता है, इनहेंस नोटिफिकेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे मिलेगी। और फिर अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसके स्टोरेज में, तो स्टोरेज वैसे आप अगर यूज़ करना तो मेरे हिसाब से जो सिखावत की तरफ से रिकवरी आती है वही यूज़ करना। और फिर यहाँ पे साउंड की बात करें तो साउंड के अंदर भी लिंक रिंग मिल जाता है, नोटिफिकेशन वॉल्यूम जो कि आपका हो गया, डू नॉट डिस्टर्ब हो गया, मीडिया भी आपका पूरा सेम है सभी एंड्रॉइड 12 का आपका सेम ही रहने वाला जैसे कि पहले आप देखे थे। अदर साउंड एंड वाइब्रेशन मिल जाता है, रिंगटोन आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो ये पूरी सेटिंग्स आपको नॉर्मली जैसे कि सभी मिलती है तरीके से यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती है। वाइब्रेशन आपका काम करता है, ऐसे डिस्प्ले के अंदर जाते हो तो यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस जैसे कि काम कर रहा है, लॉक स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है बैक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, स्क्रीन टाइम आउट हो गया, ये हमारा डार्क थीम हो गया था, डार्क थीम पे मैं आपको यहाँ पे इनेबल करके दिखा देता हूँ। डार्क थीम में जो है कुछ इस तरीके जो है आपका दिखने वाला है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका यहाँ पे डार्क थीम जो कि काफ़ी अच्छा ही देखने में लग रहा है। और फिर नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पे आपका जैसे कि हम डार्क थीम को ऑफ करते हैं और यहाँ पे हमें मिलने वाला है नीचे नाइट लाइट, और ये काम कर रहा है तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्लर जो कि आपका कलर हो गया, कलर बिल्कुल भी काम नहीं करता। ऑटो रोटेशन काम कर रहा है, टैप टू बैक हमारा ये भी काम कर रहा है, और डिस्प्ले कटआउट ये हमारे काम का है ही नहीं। नीचे फिर बॉडी फॉन्ट्स भी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये आपका डिस्प्ले की सेटिंग्स थी। वॉलपेपर इन स्टाइल के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपको कलर चूज करने के लिए तो यहाँ पे नहीं मिलता वॉलपेपर बेस्ड, लेकिन अगर आप कलर वॉलपेपर चेंज करते हो यहाँ पे तो वॉलपेपर बेस्ड कलर आपका ज़रूर अप्लाई हो जाता है इसके अंदर में, तो ये आपका काम करेगा। बाकी डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.0 ये आपको मिलने वाला है यहाँ पे। नुसंतारा का थीम्ड आइकन ये भी आपको मिल जाता है जो कि यहाँ पे वनीला फ्लश किया हो तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन पे हो रहा है, बाकी साइड वाले पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे गूगल अगर आप जीएप्स वाला करते हो तो उस पर गूगल एप्लीकेशन मिलता है तो उसके अंदर आपका सही से अप्लाई होगा क्योंकि ये गूगल एप्लीकेशन पे ही अप्लाई करता है ज़्यादातर। और फिर यहाँ पे आपके ग्रिड भी देखने को यहाँ पे ऐप ग्रिड जो कि मिल जाता है। और अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट जो कि एसेबिलिटी है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम मिल जाता है। अगर आपको पूरा लो ब्राइटनेस करने के बाद और भी लो करना है तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा डिम का यूज़ कर सकते हो, शॉर्टकट भी इसके लिए मिल जाता है। डार्क थीम है, ट्रिमिंग आपका कंट्रोल हो गया जो कि नॉर्मली सेटिंग आपको एंड्रॉइड 11 में भी ये सारी चीज़ें मिलती थी। एक्स्ट्रा डिम जो है यहाँ पे फिलहाल लेटेस्ट है, बाकी तो बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है आपका स्टाइल, बाकी सब कुछ ज़्यादातर सेम ही है। सिक्योरिटी में जाओगे तो सिक्योरिटी के अंदर आपका जैसे कि देख सकते हो नॉट इनक्रिप्टेड रूम है और आपका जो फिंगरप्रिंट है वो आपको सिर्फ देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके जो है ये काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो रिस्पॉन्स फिलहाल यहाँ पे अच्छा मिल जाता है, उसके अंदर कोई भी दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली, अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पे आपका जो पिन है वो भी मैं दिखा दूँ तो पिन जो है कुछ इस तरीके से ये मिल जाता है यहाँ पे पिन इसका। और सेटिंग्स तो फिलहाल नॉर्मल रहेगी, स्क्रीन टाइम आउट और आपका इंस्टेंटली लॉक का, तो बस यही दो मिलेंगे। और फिर प्राइवेसी हो गया, लोकेशन हो गया जिसमें GPS आपका काम करता है, सेफ्टी एंड एमरजेंसी हो गया, पासवर्ड एंड अकाउंट हो गया, डिजिटल वेलबींग का सपोर्ट ये भी हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है, और फिर गूगल हो गया आपका यहाँ पे, और ये हो गया आपका सिस्टम, यहाँ पे भी जेस्चर दिया गया सिस्टम नेविगेशन जो कि ऑलरेडी आपको दिखा भी चुका हूँ, तो ये बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे फिलहाल आपको कोई दिक्कत जैसे कि उस टाइम पे भी आपको बताया था कस्टमाइजेशन के अंदर जो इसके दिया गया वहाँ पे भी जो है आपको बताया था कि ये बिल्कुल अच्छे से काम करे, यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पावर बटन मिल जाता है, असिस्टेंट जो कि आप ऐड कर पाओगे, रिंगिंग भी बाहर में आपको मिल जाएगा, तो ये सारी सेटिंग्स है जो कि हमें यहाँ पे मिल जाती है इसके अंदर में भी यहाँ पे। लेकिन हम चलते हैं इसके स्टेटस बार की तरफ, तो स्टेटस बार का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से मिल जाता है। इंटरनेट का मिल जाता है जो कि यहाँ पे आपको डाटा एंड एरोप्लेन मोड मिल जाएगा, और यहाँ पे माइक एंड कैमरा एक्सेस आप जो है यहाँ पे इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हो सिंपली। और अगर एडिट में चलते हैं तो अलग से टाइल आपको मिल जाता है वाईफाई का और मोबाइल डाटा का, तो अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। सिंक का मिल जाता है, हेडसअप मिल जाता है, एंड रिबूट मिल जाता है, 3 डॉट पे आपका रीसेट ही रहेगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और आपको दिखा दूँ किस तरीके जो है ये काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर है ये फिलहाल अच्छी तरीके से काम करो, काफ़ी लाइट से लैग है, बिल्कुल लाइट से लैग आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, तो लैग बिल्कुल ना के बराबर ही है वैसे तो, काफ़ी स्मूथ है। और आपका जो वॉल्यूम है कुछ इस तरीके से वॉल्यूम स्टाइल हमारा यहाँ पे मिलने वाला जो कि सेम अभी सभी में मिल रहा है। और ऐप ओपनिंग के अंदर भी आपको कोई दिक्कत ऐसी नहीं मिलती, ऐप ओपनिंग में काफ़ी लाइट से लैग मिलता हो, अभी कुछ कुछ एप्लीकेशन पर ज़्यादा आपके बिल्कुल स्मूथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो एनिमेशन, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे आपको स्क्रीनशॉट मिल जाता है, डिलीट का ऑप्शन है, एंड क्लियर ऑल मिल जाता है। वहीं कैमरा आपका इसके अंदर में डिफॉल्ट जो कि कैमरा गो आपको मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से सभी एंड्रॉइड 12 में आप इस तरीके से टैप करके चेक भी कर सकते हो ऐसे तो, कि आपको अगर कुछ चेक करना है किस एप्लीकेशन ने यूज़ किया है ये चीज़ कैमरा यूज़ कर रहा है तो उसी आपको पता चल जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका जैसे कि लोकेशन इस तरीके से मांगने वाला है, अप्रोक्सीमेट वाला ही हमेशा ज़्यादातर सेलेक्ट करें। एंड यहाँ पे आपका ये GCam भी बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, और एप्लीकेशन तो ज़्यादातर आपको ESP वाले ही मिलते हैं यहाँ पे,
और FM काम कर रहा है। ओके गूगल का बग इसके अंदर देखने को मिला है, शायद तक GFS इंक्लूडेड वाले पे आपको ना मिले, लेकिन यहाँ पे है। बाकी विजेट्स इस तरीके से हम ऐड कर पाएंगे और यहाँ पे यही सभी एप्लीकेशन मिलेगा, जैसे कि आपको बताया मैं यहाँ पे वनीला आपको फ्लश की इंस्टॉलेशन दिखाने के लिए। फिलहाल अगर आप GFS फ्लश करते हो तो गूगल के ही ज़्यादातर आपको मिलेंगे, और विजेट्स भी अगर देखोगे क्लॉक की यहाँ पे नहीं मिलती है, मे बी आपके GFS इंक्लूडेड वाले में आपको देखने को मिल जाएगा क्लॉक्स, लेकिन यहाँ पे नहीं था। बाकी आपको वॉलपेपर इंस्टॉल दिखाई दिया और फिर यहाँ पे आपका प्ले स्टोर लेकिन सर्टिफाइड मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपका सेफ्टी नेट पास है तो आप आराम से बैंकिंग ऐप यूज़ कर पाओगे, उसमें आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलता, वो आपका अच्छे से काम कर रहा है। और अब बात करते हैं कॉलिंग के बारे में। तो कॉलिंग के अंदर आपका वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल का बग रहेगा, बाकी ब्लूटूथ ऑडियो आपका मीडियम कॉलिंग दोनों पे ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे वीडियो कॉल के लिए आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो, और जैसे कि यहाँ पे जो है SP डायलर मिल रहा है, वनीला फ्लश किया, अगर आप GFS फ्लश करते हो तो वहाँ पे गूगल डायलर मिलेगा, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग अभी आपको SP पे भी देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। एंड्रॉइड स्कोर हमारा 153,561 है, वहीं अनऑफिशियल वाले की अगर बात करूँ उसके अंदर आपका 155,000 था, तो सिमिलर वैसे देखने को मिलता, ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं था। और फिर आपका यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बारे में हम बात करें, तो अगर आप किसी MIUI रोम पे हो तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर जा करके प्राइवेसी पे जाना, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन जो है इंक्रिप्टेड है या नहीं है, तो ये चीज़ चेक कर लेना। और अगर आप SP रोम यूज़ कर रहे हो, कोई कस्टम यूज़ कर रहे हो, तो उस पर पास सिक्योरिटी के अंदर ही बिल्कुल नीचे में मिल जाएगा। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इंक्रिप्टेड रोम यूज़ कर रहे हो तो आपको फिर फॉर्मेट डाटा करना पड़ेगा, इसलिए अपना डाटा सारा कॉपी कर लेना पहले। एंड आपको रोम डाउनलोड कैसे करना है, सिंपली लिंक आपको मिलेगी ये, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आना, और यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को हो सकता है शायद तक, तो कन्फ्यूज मत होना, आगे फ्यूचर में जो भी अपडेट आए मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल यहीं पे कि आप देख सकते हो ये जो है एंड्रॉइड 10 वाले हैं, ये 11 वाले हैं, जिन पे 10 है लिखा है वो 10 वाले हैं, बाकी इन पे 12 जैसे कि लिखा है 12 वाले हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पता कर पाओगे कि एंड्रॉइड 10 वाली कौन सी रोम है और एंड्रॉइड 11 और 12 की। और यहाँ पे देख सकते हो सभी के 4.0 वर्जन भी दिखा रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है वनीला एंड GFS जैसे कि, तो यहाँ पे आपका 12 लिखा हुआ है, और साइड में ही आपको पता चल जाएगा कि ये वनीला है कि GFS है। तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर लेना अपने हिसाब से। अभी जैसे कि फर्स्ट बिल्ड आया वनीला एंड GFS के साथ आया हुआ है, आगे जो भी अपडेट आएगा तब आप यहाँ पे आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत उसे होनी नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे जैसे कि आपको इंस्टॉलेशन बताना है, तो मैं यहाँ पे वनीला कर लिया और फ्लेम GFS भी। अगर आप GFS इंक्लूडेड वाला रोम करते हो फिर आपको फ्लेम GFS की ज़रूरत नहीं है, और रिकवरी हो सके तो आप जो है सिखावत की जो रिकवरी है वही यूज़ करना, डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगा आपको लिंक। और अब मैं यहाँ पे चलता हूँ रिकवरी के अंदर में, तो रिकवरी के अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे कि मैं जो है यहाँ पे सिखावत वाली ही रिकवरी यूज़ कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर मैं वैसे भी रिकमेंड कर देता हूँ यही वाली, क्योंकि इसमें अभी आपको SD कार्ड फिक्स मिलता था, इसे ही यूज़ करना वैसे तो। बाकी फिर यहाँ पे आपको सिंपली वाइप पे आके डॉल्विक कैश सिस्टम डेटा वेंडर इन पाँचों को नॉर्मली आपको यहाँ पे स्वाइप टू वाइप जैसे कि आप करते हो उस तरीके से यहाँ पे आपको ये कर देना है यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा क्लियर बिल्कुल। अब आपको चलना है अपने फाइल्स के अंदर में, जहाँ भी आप रोम रखे हो उस फोल्डर में जा करके सिंपली सबसे पहले आपको रोम को फ्लश कर देना, GFS वाली हो या वनीला वाली हो, रोम को आपको सिंपली यहाँ पे फ्लश कर देना है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना, और आपका जो यहाँ पे रोम है जब फ्लश हो जाए तो सिंपली आपको वाइप कैच कर देना है, और अगर आप GFS वाला फ्लश किए हो तो थोड़ा सा वेट करना। मैं यहाँ पे वनीला वालों का बता दूं कि अगर आप वनीला वाले GFS वाले तो आपको सिर्फ रोम फ्लश करना है, लेकिन वनीला वाले के लिए यहाँ पे सिंपली फ्लेम GFS सिंपली यहाँ पे फ्लश कर देना है रोम फ्लश करने के बाद, और ये आपका जब यहाँ पे फ्लश हो जाए तो इसको सिंपली यहाँ पे वाइप कैच कर देना। अब यहाँ पे दोनों लोग ध्यान रखना अब इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पे अगर आप किसी नॉट इंक्रिप्टेड रोम से आए हो तो सिंपली रिबूट कर सकते हो, जैसे कि मैं नॉट इंक्रिप्टेड था आपको दिखाया था, तो नॉट इंक्रिप्टेड से आए हो तो सिंपली यहाँ पे फ्लश कर सकते हो रोम एंड वनीला जो भी आप फ्लश किए हो, रोम फ्लश करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे रिबूट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंक्रिप्टेड रोम से आए हो तो फिर आपको यहाँ पे फॉर्मेट डाटा करना पड़ेगा, तो सिंपली यस लिख करके फॉर्मेट कर देना, उसके बाद आपको रिबूट करना है, इससे पहले अपना डाटा जो है कॉपी कर लेना, इस तरीके जो है आपको करना है रिबूट। और अगर आप नॉट इंक्रिप्टेड हो तो सिंपली रिबूट कर सकते हो रोम एंड GFS जो भी फ्लश कर रहे हो, फ्लश करने के बाद रिबूट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो बूट एनिमेशन है कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल जाता है नुसंतारा का, और 5 मिनट के अंदर ही ऑन हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पे इसके बूट में, 5 मिनट के अंदर आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि कुछ इस तरीके से वनीला फ्लश किया GFS में थोड़ा सा अलग आएगा इंटरफेस, बाकी आप अपना सेटअप जो है कंप्लीट कर लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हो वनीला पे जो है हमें ये एप्लीकेशन मिल रहे हैं SP के ज़्यादातर, वहीं GFS इंक्लूडेड वाला अगर आप फ्लश करते हो तो गूगल के ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, बस ये फ़र्क आपको देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। तो इस तरीके से सेटअप आप कंप्लीट कर लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे गेम के बारे में, तो गेम के अंदर जो है आपका यहाँ पे जो है ग्राफिक जो मिलता है स्मूथ पे मीडियम है और बैलेंस पे मीडियम सिर्फ हमें देखने को मिल रहा है, HD का सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, और हम यहाँ पे स्मूथ एंड मीडियम पे खेलने वाले हैं। और एक चीज़ आपको और यहाँ पे बता दूँ कि अभी तक जितने भी एंड्रॉयड 12 आप रोम देखे हो
तो उन सभी से ज़्यादा आपको ख़राब जो गेमिंग परफॉर्मेंस है इसके अंदर ही आप मिलने वाला है। यानी कि अगर सबसे ख़राब अगर हम देखें एंड्रॉयड 12 रोम्स में सबसे ख़राब परफॉर्मेंस गेमिंग की सिर्फ, तो यहाँ पे आपको नुसंतारा के इस फर्स्ट ऑफिशियल जो बिल्ड है इसके अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। जो अनऑफिशियल है उसके अंदर भी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। और यहाँ पर मैं वीडियो कट नहीं कर रहा तो आपको यहाँ पर पता चल सके किस तरीके का लैग हो रहा है। मुझे लगा कि ऐसे होगा, एक बार गेम कट करके जो है ट्राई करता हूँ, इतना ख़राब तो नहीं हो सकता, एक बार ट्राई करता हूँ। तो मैं रिबूट भी कर लिया, ट्राई किया, देखा दो बार यहाँ पे देख लिया, लेकिन सेम टू सेम इसी तरीके से चल रहा है। आप देख सकते हो तो इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो भी जो है काफ़ी ख़राब से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ साथ यहाँ पे अगर हम फाइट ले रहे हैं किसी से तो भाई बिल्कुल भी जीतने को कोई चांस ही नहीं बन रहा है। बड़ी मुश्किल से अगर मार दे रहे हो तो मार दे रहे हो, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलने वाली। मे बी आप इसको फिक्स वैसे कर सकते हो, या फिर कर्नल चेंज करो, एंड्रॉइड 12 का कोई कर्नल आप फ्लश करो तो यहाँ पे जो है शायद तक ये फिक्स हो जाए, या फिर अगर आप चाहो तो वेट कर सकते हो इसके नेक्स्ट अपडेट का, नेक्स्ट अपडेट में शायद तक ये फिक्स हो जाएगी ये प्रॉब्लम। लेकिन अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को हमें मिल रही है इसके अंदर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि अभी एंड्रॉइड 12 रोम्स में सबसे ज़्यादा जो ख़राब परफॉर्मेंस है वो आपको इसके अंदर ही देखने को मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ गेमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे पूरे रोम की अगर आप देखोगे स्क्रीन रिकॉर्डर भी इसका काफ़ी स्मूथ है, एंड रोम की जो परफॉर्मेंस ऐप ओपनिंग है वो आपको काफ़ी तगड़ी देखने को मिल जाती है। उसके अंदर मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बोलता कि वो आपको ख़राब मिलता है, लेकिन हाँ सिर्फ और सिर्फ गेमिंग की बात करें तो गेमिंग आपकी इसके अंदर ज़रूर आपको सबसे ज़्यादा ख़राब देखने को मिल जाती है, लेकिन बाकी चीज़ों को देखें तो काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। सिर्फ और सिर्फ गेमिंग जो है इसकी ख़राब मिलती है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।